विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। बीजेपी के जिम्मेदार नेता मंडल स्तर पर बैठकर चुनावों की तैयारियों को जांचने में जुट गए हैं। इसी सिलसिले में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और बीजेपी के यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह कानपुर पहुंचे, जहां आज वह कैंट में स्थित एक होटल में बीजेपी के सांसदों, विधायकों और पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। राधा मोहन सिंह ने कहा कि वे प्रदेश के 9 मंडलों में बैठक कर चुके हैं। उन्होंने सरकार के काम की सराहना की और कहा कि सरकार अच्छा काम कर रही है। बैठक में औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना भी मौजूद रहे। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अंदर एक ईमानदार और दमदार सरकार काम कर रही है। योगी सरकार ने कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। भारतीय जनता पार्टी इन दिनों सभी कमिश्नरी के अंदर जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं और संगठन के लोग हैं उनके साथ हम बैठ रहे हैं। 18 कमिश्नरी है, उसमें 9 में बैठकें हो चुकी थी। कल मैं बनारस कमिश्नरी में था और आज कानपुर में और कल बस्ती कमिश्नरी में रहूँगा और पूरे उत्तर प्रदेश के हमारे कार्यकर्ता जनप्रतिनिधि मिलकर उत्तर प्रदेश के उत्तम भविष्य के निर्माण में पूरी एकजुटता के साथ लगे हुए हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।